जाए तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। चलिए प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं। खबर है गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे के बाद कल लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक है। खबरों के मुताबिक पार्टी दफ्तर में शाम 7 बजे ये बैठक होगी, जिसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्र के प्रभारी और तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले अमित शाह यूपी में 3 अलग-अलग जगहों पर जनसभाएं भी करेंगे। मिशन यूपी पर गृह मंत्री हैं और इसी के तहत तो वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि उनके पास प्रभार है पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र का, लेकिन हमने देखा कि वाराणसी में किस तरीके से उन्होंने सारी डिटेल्स मांग ली हैं। गोरक्ष और काशी क्षेत्र के, पूर्वांचल के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक थी। अब बारी है अवध की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी ब्रज क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का प्रभार मिला है, लेकिन पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर पहचाने जाने वाले अमित शाह पूरे प्रदेश में बीजेपी की चुनाव की तैयारियों पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। मंगलवार रात अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में थे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें अमित शाह बैठक में मौजूद नेताओं से 2 बड़े सवाल पूछते दिखाई दिए। पूछा कि 20-25 दिनों में यूपी में बीजेपी का ग्राफ कितना बढ़ा है, जन विश्वास यात्रा रैलियों का जमीन पर क्या असर है। इसके जवाब में बैठक में मौजूद कई नेताओं ने कहा कि 20-25 दिन पहले बीजेपी का जो ग्राफ था उसमें काफी इजाफा हुआ है। सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है, अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को कहा है कि इससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, जमीन पर हमें लगातार काम जारी रखना होगा। तो आपको बता दें, वाराणसी में मंगलवार की रात हुई भाजपा की अहम बैठक में दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत यूपी सरकार के कई मंत्री, भाजपा सांसद सभी मौजूद थे, जिनसे अमित शाह ने चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक ली। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के बाद अब बीजेपी की जन विश्वास यात्रा उन्नाव पहुंच रही है, जहां भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्नाव में रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी का दावा यह है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग जुट सकते हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा की बात करें तो उसकी भी पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। हमने एसएल भी किया है और जो भी उसके सुरक्षा के लिए आवश्यक पीसी बल, पुलिस बल के अतिरिक्त हमने अन्य बलों का भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पार्किंग को बनाए रखने के लिए हमने व्यापक तैयारियां की हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल मुरादाबाद में भी भाजपा की जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर सभा स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह कल 11 बजे मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में जनसभा करेंगे। ये भी जान लीजिए कि मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर ही भाजपा का कब्जा है, जबकि 4 पर सपा काबिज है। ऐसे में ये जनसभा भाजपा के लिए काफी अहम है। द्वारा आयोजित जो 6 जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें 1 यात्रा क्रमांक 1 मुरादाबाद 30 तारीख को पहुंचेगी। पार्टी के सभी लोगों ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उस बैठकर की है और अलग अलग जिम्मेवारी, संख्या, व्यवस्था, संचालन, ये सारी जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं में बांटी है और मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ी सभा माननीय गृहमंत्री जी की होगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज काशी पहुंची। काशी की सड़कों पर जन विश्वास यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ।
रथ पर सवार प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत में जनता के समर्थन पर बात की। इसके साथ ही कहा कि अखिलेश के इत्र में दुर्गंध है। तो बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के रथ पर हम सवार हैं और आप देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ पर जनता का यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं और ये भारी जनसमूह आप देखिए काशी की सड़कों पर इस जन विश्वास यात्रा इस रथ का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी बातचीत करना चाहेंगे। ये यात्रा और उत्साह किस तरह का कितना उत्साह आप स्वयं देख रहे हैं। यह यात्रा जन विश्वास यात्रा उत्साहजनक है, जबरदस्त है और आम जनमानस का मोदी जी योगी के प्रति विश्वास है। लोग जानते हैं कि मोदी जी हैं योगी जी हैं तो मेरा विकास होगा, देश उत्तम बनेगा, प्रदेश उत्तम बनेगा। समाजवादी पार्टी की भी एक यात्रा निकली हुई है और वो भी कहा जा रहा है कि जबरदस्त भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही है, क्या ये यात्रा उसका जवाब या क्या है? जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बने, आम जनता जनार्दन जानती है कि गुंडई किसके शासन में होता है और कानून का राज किसके, ईमानदार नेतृत्व कौन सा है, आम जनता जानती है कि अखिलेश का शासन आने में क्या होता है और आज कानून का राज है। इसलिए क्यों सपा को लोग सपा के नेतृत्व को क्यों स्वीकार करेंगे? आदरणीय योगी जैसा परिस में कोरोना जैसे महामारी में एक दिन निकले और 4.5 साल से नहीं निकले, न किसी के दुख में न सुख में, आप कैसे उनको नेतृत्व को स्वीकार करेगी जनता? वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर का दौरा किया जहां उन्होंने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी यहां 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं जहां पर वो 520 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, लेकिन उससे पहले सीएम ने इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। मैंने ही प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर और गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। भाइयों बहनों, एम्स और फर्टिलाइजर के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो भी आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग। उधर बरेली में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रैली की। इस दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा इस बार के चुनाव में 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं जनसभा में शामिल सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, अब इसे आंधी और तूफान में बदलना है। पूर्वांचल में आजमगढ़, लोहरदगा, गोरखपुर, देवरिया, बरावती, बलरामपुर, गोंडा, तराई, हैदराबाद, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, 27 जिला में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोलने दूंगा। साथियों, ये नोट कर लेना, खाता नहीं खोलने दूंगा। शामली में यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अखिलेश के छक्के मारने वाले बयान पर कहा कि अब तो वो बैठे बैठे छक्के मार रहे हैं। अखिलेश को लग रहा है कि साइकिल चल रही है, लेकिन वो स्टैंड पर ही खड़ी साइकिल चला रहे हैं, जबकि अभी साइकिल स्टैंड से नीचे उतरी ही नहीं है। बैठे बैठे चौके छक्के मार रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि साइकिल घूम रही है, साइकिल विकास कर रही है, पूरे प्रदेश में साइकिल के विकास का पहिया घूमेगा। वो साइकिल तो चल रही है लेकिन वो स्टैंड पे खड़ी है, पैडल मार रहे हैं, लग तो रहा है उन्हें चल रही है लेकिन स्टैंड पर खड़ी साइकिल चला रहे हैं, तो अभी साइकिल स्टैंड से नीचे नहीं उतरी। वहीं कानपुर वीडियो वायरल मामले को लेकर सपा ने विरोध प्रदर्शन और हंगामे शुरू किए हैं। पूर्व सपा विधायक सतीश निगम अपने समर्थकों के साथ मेट्रो स्टेशन परिसर में घुस गए जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मोती झील स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद यहां हंगामा मच गया।
ये वाकया ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में ही हुआ। इस दौरान भाजपा सांसद सुब्रत पाठक नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं को मंच से समझाते रहे। वहीं कन्नौज में सुब्रत पाठक ने बड़ा बयान दिया। सुब्रत ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, काशी बनवाया, अब मथुरा भी बनवाएंगे। जो वोट देना चाहे वो दे, जिन्हें नहीं देना है वो मत दे। वैसे भी हमें पाकिस्तान समर्थितों का वोट नहीं चाहिए। हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना होगा नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत में विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में सरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। सबने देखा होगा, पीएम मोदी कल हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें वो सिंचाई, सड़क, आवासीय और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई ऐसे सेक्टर हैं जिनसे संबंधित परियोजनाओं को वो इस वक्त शिलान्यास उनका करना है। उन्हें 5,750 करोड़ की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास होगा, तो वहीं 8,700 करोड़ की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इसके साथ ही उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का भी शिलान्यास होगा, तो वहीं पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा, काशीपुर में अरोमा पार्क का शिलान्यास, तो सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास होना है। कल कुमाऊं के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 17,500 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुँचेंगे और हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जो मंच इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले 17,500 करोड़ रुपये की जो परियोजनाएँ हैं उनकी सौगात कल कुमाऊँ को देने जा रहे हैं। कुमाऊं में जहां लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, वहीं कुमाऊं की सड़कों को और बेहतरीन करने के लिए भी 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही कुमाऊं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर भी देने जा रहे हैं। वहीं कुमाऊं के पिथौरागढ़ में एक मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। ऐसे में बड़ी सौगातें कल कुमाऊं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से देंगे। पूरी तैयारियां हैं, लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है बैठने के लिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वाल के देहरादून में आए थे, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और बीजेपी ने कहा कि तकरीबन 1,00,000 लोगों की भीड़ वहां पर जुटी थी। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि यहां पर भी इसी तरीके की भीड़ जुट सके और प्रधानमंत्री की जो विशाल जनसभा है उसको सफल बनाया जा सके। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। वहीं यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की लड़ाई जारी है। जब इसे लेकर सतीश द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान बीजेपी ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती और जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। प्रबुद्ध वर्ग में उसकी गिनती होती है, वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करता है, वो हमेशा प्रदेश का विकास करने वाली सरकार और राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करता है, बड़े दृष्टिकोण से सोचता है। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अलग अलग रूट से गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो बसेस हों चाहे कार्स हों, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग हैं, उनको वहीं पे जाना है। कोशिश ये की गई है कि किसी को भी ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसलिए हमने नजदीक में पार्किंग्स को बनाया है। लेकिन जितनी भी सम्मानित जनता है उनसे भी अनुरोध है कि वो अनुशासित रहेंगे, विशेषकर यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है उस पर डिसिप्लिन रहेंगे। योगी सरकार का भू माफिया पर लगातार हंटर चल रहा है, जिसमें लखनऊ के चर्चित भू माफिया दिलीप सिंह बाफिला की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बाफिला की 48 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। वहीं बाफिला के रिश्तेदार प्रवीण सिंह बाफिला का भी 9,73,000 रुपए की संपत्ति है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। ये भी जान लीजिए कि बाफिला के खिलाफ धोखाधड़ी और गैंगस्टर के 10 मुकदमे दर्ज हैं।
किसानों की पार्टी होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय लोक दल एक पहचान जाट की पार्टी के तौर पर भी होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल अब अपनी इस पहचान को बदलते हुए गुर्जर समाज को भी अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। आज इसी के तहत मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोक दल के गुर्जर सम्मेलन का आयोजन हुआ। बड़ी तादाद में गुर्जर समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा भी लिया और इसी मौके पर गुर्जर नेताओं ने कहा कि गुर्जर समाज भी पश्चिमी यूपी के निर्णायक वोटर्स में से एक है, जो जिस दल को गुर्जर का वोट मिलेगा वही दल चुनाव में जीत हासिल करेगा। हम गुर्जर स्टैंड डिसाइडिंग वोटर बन चुके हैं, जिस पार्टी का वोट हम देंगे सरकार उसकी बनेगी। यदि उन्होंने हमारी अपेक्षा की तो हम ये बता देंगे कि गुर्जर होते क्या हैं और हमारे बिना पश्चिम यूपी में उनसे कम नहीं है, ना आबादी में ना ताकत में। कानपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले दंगों की साजिश रचने के आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सभी 5 आरोपी कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर रैली से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर सुबह से ही सियासत गरमाई हुई थी। वायरल वीडियो में दिखाई ये देता है कि कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो कल से ही वायरल है। इधर पुलिस भी एक्शन में आई है, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और इसी के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा पर पीएम मोदी की रैली में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगा दिया, तो समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने इसे सिरे से नकार दिया है। कल भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे। एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है। कल कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। संबित पात्रा जी को ये देखना चाहिए कि आज और पेपरों में क्या निकला है। देश भर के पेपरों ने ये छापा है कि कल 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके जब उत्तर प्रदेश का पूरा युवा अपना हक मांगने हेतु राजधानी लखनऊ के सड़कों पे था, तो उस पर बर्बर लाठियां चार्ज की गई, उनका गला दबाया गया, उन्हें जेल भेजा गया। इस पर भी कुछ प्रकाश डाल पाएंगे संबित पात्रा जी? कुपात्रा भाई, कुछ इन सब कुत्सित व्यवहारों पर भी प्रकाश डालिए। जो कल कानपुर में घटना घटी है उसे समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं है।